अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। नौशीन किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए दूध पर मोटी बलाई कैसे लाते हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखें, मैंने स्टील की एक पतीली ली है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। कोशिश करें कि स्टील की पतीली ही हो। जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल होगा उसमें हम अपना दूध ऐड कर देंगे। 1.5 लीटर दूध है और देखिएगा इसके ऊपर बहुत मोटी मलाई आएगी। बाज़ लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो दूध जब बॉयल करते हैं तो बलाई नहीं आती। इस तरीके से आप फॉलो करते हुए करें, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और मोटी बलाई आएगी। और ये देखें, डोंगी की मदद से इसको इस तरह से फेंटें कि अंदर झाग टाइप बन जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यकीन माने इस तरीके से दूध को बॉयल करके आप 10 से 15 दिन में पूरा एक बाउल जो है मलाई का आप उसको जमा कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको अब हम 8 से 10 मिनट में बिल्कुल दम वाली लो टू मीडियम फ्लेम जो होगी उसके ऊपर इसको हम थोड़ा सा कड़ने देंगे। इतना कड़ जाए ये देखें, डोंगी मैंने इसके ऊपर रख दी है और दूध हमारा बहुत अच्छे से कड़ चुका है। फ्लेम में इसकी कर दूंगी बंद, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं रखना, इस तरह से जाली जो है उसको रख दें। और जैसे ही हमारा दूध ठंडा होगा उसमें हम हाँ जी ये देखें ठंडा हो गया। मैं इसको ढक के तो फ्रिज में रख दूंगी पूरी रात के लिए। तो ये देखें फ्रिज में रखने के बाद जब आप अगले दिन इसको देखेंगे तो बहुत ही मोटी माशाल्लाह मलाई होगी। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बनाएं और भलाई जो है उसको जमा करें। अल्लाह ताला आपके किचन की रौनकें बहाल रखे। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी मेज़बान नौशीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।